सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। इंसान कुदरत की सबसे खास कृति है, वो हमेशा अपनी कल्पना को अपनी शक्ति से आगे तक ले जा सकती हैं। मुसीबतों से बचने की कोशिशें नई मुसीबतों को जन्म देती है। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रही हैं। आज का पंचांग 3 अगस्त 2022 दिन बुधवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि सुबह 5:41 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र शाम 6:24 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 2:12:33 से 2:10 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मकर राशि 3 अगस्त 2022 दिन बुधवार, प्रकृति में समय बिताने से आप तनाव और नुकसान की भावनाओं से छुटकारा पा सकती हैं। अपने माता पिता और बच्चों के जरूरतों को पूरा करें। याद रखें परिवार सबसे पहले आता है और धन के मुद्दे इंतजार कर सकते हैं। अपने विचारों और प्रेम को करीबी लोगों के साथ शेयर करें। आज आपको अनियोजित काम करने पड़ेंगे और निश्चित रूप से आपका समय इस तरह अधिक व्यतीत होगा। अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। अपने सहकर्मियों या अन्य लोगों के साथ यात्रा या कैंपिंग का मजा लें। जीवन में कुछ भी संभव है, बस परिश्रम करें और सकारात्मक महसूस करें। विद्यार्थियों को अपनी नौकरी से संबंधित किसी इंटरव्यू आदि में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। परिवार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने पड़ सकते हैं जो कि सकारात्मक परिणाम देंगे। पिछले कुछ समय से चल रहे गिले शिकवे को दूर करने का अनुकूल समय है। परिवार के हर एक व्यक्ति को प्रगति प्राप्त होती रहेगी। परिवार के बुजुर्ग लोगों से मिले मार्गदर्शन की वजह से तकलीफ को दूर करना संभव हो सकता है। अचानक से बड़ा धन लाभ होने की संभावना बन रही है। व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आर्थिक प्रगति प्राप्त होती रहेगी। काम के विस्तार के बारे में फिलहाल ना सोचें। परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह तय होने की संभावना बन रही है। बच्चों की सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इम्यूनिटी से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। सावधानियां, दूसरों की जिम्मेदारियों को पूरा करने में आपके अपनी कार्यों में व्यवधान आएंगे, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही मदद करें। किसी प्रिय मित्र से संबंधित अप्रिय सूचना मिलने से मन व्यथित रहेगा, धैर्य और संयम रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। मन की शांति अभी आपकी प्राथमिकता है। माँ या माँ की तरह किसी स्त्री का साथ आपके लिए मजबूत स्तंभ की तरह है। अभी आपका जीवन खुशहाल है और इसे ऐसा ही बनाए रखने के लिए आप दोनों को प्रयास करने होंगे। घर के बच्चों के लिए संकट का समय हो सकता है। आज का दिन भावुकता लेकर आया है। स्वयं और अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें। दोनों के बीच में बिना मतलब का अहंकार नहीं लाना चाहिए। अपने साथी से कोई भी चीज छुपाना भविष्य में आपके लिए ही खतरनाक हो सकता है। शादी के योग्य युवाओं को अपने जीवन में शादी की बहार के लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। बात करते हैं करियर की। आज शिक्षा में आया व्यवधान आपको प्रभावित करेगा और आप अधिक शिक्षा को पूरा करने के बारे में सोच सकते हैं। शांति भरे इस दिन में आप नए आदत या शौक विकसित करने पर भी विचार कर सकते हैं। अपने अधिकारियों के बारे में जाने और सोच समझकर शब्दों का प्रयोग करें। आज आप आराम और एंजॉय करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन किसी कार्य की वजह से यह योजनाएं रद्द हो सकती है। अनियोजित जिम्मेदारियां आपके समय और ऊर्जा दोनों पर प्रभाव डाल सकती है। कैंपिंग और हाइकिंग की भी संभावना है। इसमें आपके साथ आपके सहकर्मी और बॉस भी शामिल होंगे। यह दिन भावनाओं से भरा हुआ है। बात करते हैं सेहत की। जोखिम वाले कार्यों से दूर रहें। किसी भी मशीनरी आदि का प्रयोग करने अथवा वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतें। सेहत का पूरा ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी के समक्ष घी का दीपक चलाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।